हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई चली होगी। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको गणित कक्षा 12 की डॉक्टर मनोहर रे हर्षरूप शर्मा एनसीईआरटी पटरंग की बुक है। और अध्याय पढ़ा रहा हूँ आपको चार सांलिक डिटरमाइन प्रश्नावली 4.F आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कल 4.E मैंने समाप्त की थी तो आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा, तो काफी लॉन्ग वीडियो अपलोड किया था, होमवर्क के भी क्वेश्चन दिए थे आप लोगों ने, बताए होंगे, अच्छे से आंसर भी कमेंट किए आप लोगों ने। हमको उम्मीद है कि आप वो सारे क्वेश्चन आ गए होंगे। तो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन। इसमें आपको 5 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, 5 के बाद आप लोग देख लीजिएगा, इसके आगे 5 के नीचे आप लोग देख लीजिए। ये देखिए आपके पास सारे क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं। 6 से देख लीजिए, 10 तक आपको दिख रहे होंगे, 11 भी दिख रहा होगा पूरा पूरा, ठीक है। तो इसके आगे आपको बताने से पहले मैंने आप जैसा कि मैं आपको रोज हर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको की पॉइंट्स कुछ लिखाता हूँ, की पॉइंट्स बताता हूँ। तो वो की पॉइंट्स आप लोग देखिएगा, लिखी हुई है प्रश्नावली 4.E। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी भी आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन की वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी, तो आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4.D, रैखिक समीकरण को हल करना। रैखिक समीकरण में जो दिए होंगे उसको मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व करेंगे हम, उसको आप भी कैसे बना के सोल्यूशन करेंगे वो, उसके लिए आपके पास मेथड होते हैं कितने, दो आपके पास लिखे हुए हैं। देखिए दो मेथड क्या लिखा हुआ है, रैखिक समीकरण को निम्नलिखित दो विधियों द्वारा हल कर सकते हैं या दो मेथड द्वारा, दो रूल होते हैं। एक होता है आप भी विधि मैट्रिक्स मेथड, एक होता है क्रेमर विधि क्रेमर्स रूल्स मेथड, या आप भी मैट्रिक्स रूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला आपको दिखाते हैं, पहला पॉइंट में पहले नोट्स में आपको क्या लिखना है, लिखा हुआ है आपके पास पहला लिखा हुआ है आप भी विधि। माना कि n अज्ञात राशियों x1 x2 xn में n एक घातीय युगपत है, समीकरण है a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस डॉट 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 प्लस a1n xn बराबर b1 a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a2xn xn बराबर b2 डाटा डाटा, ऐसे an1 x1 प्लस an2 x2 प्लस डाटा डाट ann xn बराबर bn अगर है तो। इस समीकरण कैसे लिखेंगे इसके आगे आपको दिखाते हैं, देखिएगा आप लोग देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा भी। उपरोक्त समीकरण को आप भी रूप में लिखने पर कैसे लिखेंगे, आप भी रूप में ax बराबर b के टर्म में लिखेंगे। तो जो समीकरण दिए होंगे उसको आप भी a11 a12 a1n ऐसे करके लिख लेंगे हम पूरे, और जो x के गुणांक होंगे वे x1 x2 x3 इधर रख लेंगे, और बराबर वाले b1 b2 b3 वो b के हमारे गुणांक हो जाएंगे। ये था आप लोगों का इसका अभिविधि, इसके आगे आप लोगों को सोल्यूशन क्या करना है वो भी आपको दिखाते हैं, देखिएगा आप लोग अच्छे से समझते जाइए और देखते जाइए। जहाँ a का मान हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा a11 a12 a1n a21 a22 a2n डॉट 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 an1 an2 ann दिया हुआ है, तो फिर लिखेंगे अर्थात समीकरण निकाय के गुणांकों का आव्यूह x बराबर x1 x2 xn n क्रॉस n तथा b बराबर b1 b2 bn n क्रॉस 1, ये हमारे x और b के मान दे दिए होंगे, ठीक है। ऐसे निकाल के रख लेंगे हम वहां से, बताएंगे अभी सवाल जब बताएंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, थ्योरी यहाँ पे समझ में थोड़ी सी कम आ रही होगी, सॉरी। जहाँ a n क्रॉस n क्रम के हैं, x एवं b n क्रॉस 1 क्रम के हैं, मतलब ठीक है, यदि a व्युत्क्रमणीय अवयव है तो a का व्युत्क्रम a इनवर्स होगा, a इंटू a इनवर्स बराबर i, तो a इनवर्स a इंटू में क्या बराबर हमारा i हो जाएगा। जहाँ i ए तस्मक अवयव मतलब एंटी मैट्रिक्स है हमारे पास, हम जानते हैं कि a इनवर्स b बराबर x, तो x बराबर a इनवर्स b, हमको इसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे तो x y z के हमें मान मिल जाएंगे। ये था आप लोगों का क्या आप व्यू रूल। अब बताते हैं आपको इसमें के बीच में आपको दो पॉइंट और पढ़ना है, क्या पढ़ना है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, रैखिक समीकरण संगत है कि असंगत, संगत और संगत कैसे पता करेंगे हम। संगत के लिए हमारा मोड ऑफ a डज नॉट इक्वल टू हमारा क्या होगा, जीरो, मतलब मोड ऑफ a का मान जीरो नहीं होगा तो वो संगत होगा, और अगर मोड ऑफ a डज नॉट इक्वल टू में अगर जीरो आ गया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है। इसके आगे आपको दिखाते हैं, इसी का जो दूसरा रूल है वो होता है क्रेमर रूल्स। क्रेमर रूल्स में आपको देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्रेमर रूल, थोड़ा सा सही कर देंगे अभी हम। क्रेमर
क्रेमर रूल, क्रेमर का नियम जो होता है, क्रेमर्स रूल जो होता है, इसमें देखो थ्योरी बहुत सारी थी। इसको क्वेश्चन मैं आपको ओरली बता रहा हूँ सोल्यूशन कैसे होगा, और इसको जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको वहां पे क्रेमर्स रूल पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू में अगर जीरो है तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी डज नॉट इक्वल टू, मतलब वहां पे मॉड ऑफ ए निकालते हैं, इसमें क्या निकालेंगे हम, डी निकालेंगे। ठीक है, तब ही हल होगा जब जी हमारा डज नॉट इक्वल टू में क्या होगा, जीरो होगा, तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो यक्स डी एक्स अपॉन डी, मतलब जब हम यक्स की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे हमारा जो इक्वल टू में बी का मान होता है, तो वहां पे जो फर्स्ट रो पे होता है, फर्स्ट कॉलम होता है, उसकी जगह पे वो वैल्यू प्लेस कर देते हैं। उसके बाद हम मॉड ऑफ ए की सोल्यूशन कर लेते हैं, ऐसे वाई पे करेंगे, ऐसे जेड पे करेंगे, ऐसे एक्स पे। तो ये चीज आपको उस क्वेश्चन में एकदम बहुत ही अच्छे क्लियर तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब लिखा है जैसे दूसरा पॉइंट, डी अगर इक्वल टू में जीरो या मोड ऑफ इक्वल टू में जीरो, तब डी एक्स डी वाई डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, ये थे आपके कुछ की पॉइंट्स, और या नोट समझ लो, की पॉइंट्स या टर्म समझ लो, आप लोगों को जो जानकारी होनी चाहिए। अब बताते हैं आपको हम क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला क्या लिखा हुआ है, आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से बताइए कि समीकरण निकायों को संगत अथवा संगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। आपको बताना है ये संगत है कि असंगत है, संगत है तो असंगत है तो। हमने आपको बताया था सबसे पहले क्या करेंगे, जो समीकरण दिया होगा सॉल्यूशन में, दिए गए समीकरण हमको क्या गिवेन है, यक्स प्लस का 2y बराबर 2। ठीक है, अब यहां पे अगर हमें ये दिया हुआ है तो 2x प्लस 3y बराबर 3। ठीक, अब इसको हम लिख लेंगे किसमें, जो उपरोक्त समीकरण दिए होंगे, या लिख लेंगे उपरोक्त समीकरणों को आव्यूह रूप ax बराबर b में लिखने पर, या आव्यूह रूप में लिखने पर, तो ए एक्स बराबर अगर बी है तो यहां से हम ए का मान रखेंगे यहां पे, और एक्स की वैल्यू ऐसे रखेंगे, बराबर में जो मान होगा वो बी का मान होगा हमारा ऐसे। तीन कलम बना लेंगे, एक्स के गुणांक में हमारा जो होगा वो एक, यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ एक्स और यहाँ वाई, यहाँ दो, यहाँ तीन। हमको यहां से सिर्फ हमें संगत असंगत बताना है, तो हमें सिर्फ मतलब है ए से, क्योंकि जब हम इसका हम क्या मोड वो निकालेंगे, मोड तो 1 2 2 3, हमको इससे मोड से मतलब है, तो निकालेंगे मोड ऑफ ए। तो मोड ऑफ ए 3 × 6 दो दून सॉरी 3 एकम 3 एकम 3, और -2 × 4, तो याद आएगा हमारा -1। मोड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू हमारा क्या है, 0। अगर मोड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू में 0 होता है तो हमने बताया था क्या, वो हमारा संगत होता है। क्या होता है, तो अतः लिखेंगे, अतः मोड ऑफ ए का मान 0 नहीं है तो मोड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू में 0, तब क्या हो जाएगा हमारा, संगत है। ये हमारा क्या हो गया, संगत हो गया। आप लोगों को समझ में आया होगा, मजा आया होगा करने में, देखने में, तो आप लोगों को ये ऐसा मैं समझ सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आ गया है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको देखिए, पहला अगर समझ में आया तो आप दूसरा सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको यहाँ पे आपको देखिए होमवर्क इस पे दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग स्वयं प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। तो ये वाला भी आपको क्या करना है, होमवर्क में तो दूसरा तीसरा होमवर्क मिल गया, आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फोर्थ नंबर भी क्वेश्चन आपको सिमिलर ऐसे ही करना है, 3×3 का हुआ, आपको वैल्यू ऐसे निकालना है, ये भी होमवर्क में करना है आपको। फोर नंबर आपको पास 6 नंबर आ गया, फिफ्थ नंबर ये भी आपको होमवर्क में ही करना है क्वेश्चन। आप लोग होमवर्क कीजिएगा, जरूर से जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितना ही आप लोग करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को 3×3 का होमवर्क तो दे दिया है, लेकिन मैं इस बेस से इसको बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को इसके बाद आपको दूसरा मेथड से सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे
क्या लिखेंगे, समीकरण के रूप में लिखेंगे तो ये दिए गए हमको जो दिया है क्या गया है, दिए गए समीकरण क्या दिए गए, 5x माइनस का y प्लस 4z बराबर 5, 2x प्लस का 3y प्लस के 5z बराबर 2, 5x माइनस का 2y प्लस 6z बराबर माइनस 1 लिख लेंगे। जो हमारा क्या लिखेंगे, उपरोक्त समीकरणों को आव्यूह रूप AX बराबर B में लिखने पर, तो लिख देंगे जो दिया जाएगा A का जो मान X का गुणांक होगा और जो यहाँ पे हमारा क्या हो गया ये X है बराबर यहाँ पे जो आ जाएंगे हमारे B के मान, यहाँ X गुणांक 5 माइनस का 1 और ये 4, 2 3 5, 5 माइनस 2 6, एक्स वाई जेड 5 2 1 जो हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें हमको मतलब यहाँ से संगत और संगत बताने से तो हमें मतलब है सिर्फ ए से, क्योंकि और बाकी कोई चीज से हमें मतलब नहीं है। हम ए का मान माइनस 1 4 2 3 5, 5 माइनस 2 और 6। अब इसका निकालेंगे मोड, मोड ऑफ ए तो जी आ जाएगा 5, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद कर देंगे, 3 छंग हो जाएंगे 18, 5 दुना 10 माइनस हो जाएंगे प्लस के, माइनस हो जाएगा प्लस का 1, जी जी बंद कर देंगे, 6 दुनी 12, 5 25 प्लस के 4, जी जी बंद कर देंगे, माइनस 2 दुना 4, 5 तेई 15, ठीक। अब यहां से रख लेंगे इसको हम क्या 5, जो जाएंगे हमारे पास 28 और प्लस का 1, ये बचेंगे माइनस के 13, और जो जाएंगे 14, 15 और 4 हो जाएंगे 19, 19 चुक हो जाएंगे हमारे पास 76, 5 अट्ठे 40 की 0, 5 दुना 10 10 और 1 हो जाएंगे हमारे पास 5 अट्ठे 40, 5 दुना 10 4 हो जाएंगे 14, माइनस 13 माइनस 76 तो जो हो जाएगा हमारे पास 140 माइनस 6 3 9 7 और 1 8 घटा देंगे 1, 13 में 5 जाएंगे क्या बचेंगे हमारे पास 8 जाएंगे 5, मोड ऑफ ए का मान हमारा 0 नहीं आया था, लिख लेंगे चूंकि मोड ऑफ ए डस नॉट इक्वल टू 0 लिख लेंगे, अतः दी गई समीकरण क्या है हमारे पास संगत है, ठीक है संगत है। तो आपको जो समझ में आया, आप लोगों ने 6 नंबर क्वेश्चन लगाया, बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब बताऊंगा आप लोगों को 7 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए, किससे हल करना है आव्यूह विधि से हल करना है, आव्यूह विधि से हमें एक्स वाई जेड की मान बताना, तो लिखेंगे दिए गए समीकरण क्या है, x प्लस 2y बराबर 4, 2x प्लस 5y बराबर 9, उपरोक्त समीकरण को आव्यूह रूप में लिखने पर, आव्यूह रूप में लिखने पर तो याद आएगा ax बराबर b, इस पे लिख देंगे ज्यादा है हमारे पास, ऐसे बना लेंगे हम, यहाँ पे जाएगा x गुणांक 1 2 2 5 x y 4 9, ठीक। अब इसको हम हल करेंगे, हमें क्या a से मतलब, क्योंकि हमें पास दूसरा जो वैल्यू होती है, अब यहां से हमें क्या, यहां से हमें a का मान निकाल लेंगे, 1 2 2 5, एक्स का मान निकालेंगे एक्स वाई, बी का मान 4 9, ठीक है। अब ये मिल गया, अब इसके आगे आपको सोल्यूशन करना है, तो इसके आगे में इसका का मोड ऑफ ए निकालना पड़ेगा, मोड ऑफ ए निकाल लेंगे, 5 एक 5 2 दूना 4 बराबर क्या मिल गया 1 मिल गया। अब जब 1 मिल गया तो हम ए का निकाल लेंगे क्या, ए का
क्षय गुणन खंड आप बी बराबर क्या जाएगा बी। अब ये निकालेंगे तो बी बराबर आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद करेंगे इसको तो ये आ जाएगा हमारे पास पांच बचेगा, ये बंद कर देंगे तो दो बचेगा, ये बंद कर देंगे तो इधर दो, ये तो इधर एक सॉरी ये प्लस ये माइनस होता है, ये फिर प्लस तीसरा फिर चौथा माइनस। अब इसको निकालेंगे बी का परिवर्त अवयव बराबर क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, तो लिख लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए बराबर पांच माइनस दो एक। अब हमको चाहिए क्या, हम जानते हैं यक्स का मान, लिख लेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि यक्स बराबर होता है ए इनवर्स इनटू में बी। ए इनवर्स का मान निकाल चुके ऊपर पांच माइनस का सॉरी एडजॉइंट टाइम पांच माइनस दो, हाँ पांच माइनस दो और एक, और बी का मान हमें पता है चार नौ। अब इसका गुणा कर देंगे दिया जाएंगे यक्स का मान हमारे पास है यक्स वाई पांच को बीस और दिया जाएंगे हमारे पास पांच को बीस और नौ दुनिया अठारह तो बचेंगे दो, ठीक है, और चार दुनिया आठ नौ एकम नौ तो बचेगा एक, तो लिख लेंगे अतः यक्स बराबर दो वाई बराबर एक, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया गया, आप लोगों ने लगाएंगे क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को, आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन, अब देखिए साफ बताया है मैंने, आप लोग भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, एक क्वेश्चन होमवर्क का तो बनता ही है क्योंकि आपको होमवर्क मिलेगा तभी तो आप लोग मैथ में एक्सपर्ट होंगे, तो ये वाला क्वेश्चन आपको क्या होमवर्क में लगाना है तो आप लोग लगाइएगा, कोशिश कीजिएगा, नहीं आए तो आप हमको बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, समझ में आए तो भी बताइएगा, ना आए तो भी बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर लाइक कमेंट, और साथ ही साथ अभी भी आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, इससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगी तो आप वहां से उसका लाभ उठा सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं नए जोश नई एनर्जी नए साथ साथ, बाय बाय।